नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी खुशखबरी की। मेरा सोच था कि सिकटा के रास्ते नरकटियागंज होते हुए एक बड़ी ट्रेन चलाई जाए और स्पेशल ट्रेन चलाई जाए जो दिल्ली तक जाए। हालांकि इसकी मांग जो थी बहुत लोगों को थी, हम भी इसका मांग कर रहे थे, तो यह मांग अब पूरी हो चुकी है और एक ट्रेन को जो है फेस्टिवल एक्सप्रेस के रूप में चलाया जा रहा है। फेस्टिवल एक्सप्रेस का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि जो अभी पर्व का जो समय आया है तो इसमें जो है बिहार आने और जाने में जो है लोगों को जो है ज़्यादा समझिए कि टिकट बुकिंग करनी पड़ती है, तो बहुत से ट्रेनों का जो है टिकट नहीं मिल पाता है। तो कोरोना के वजह से भी जो बहुत ट्रेनों को जो है पटरी सब उतारा गया, तो उसी के बात को ध्यान में रखते हुए एक ये नया ट्रेन का जो है परिचालन शुरू किया गया, चूँकि इसको देखते हुए कि किसी यानी यात्री को दिक्कत ना हो यानी पर्व में अपने घर पहुँचने के लिए। अब आगे आपको जो है दशहरा पर्व होगा, उसके बाद छठ दीपावली सब पर्व आ रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेन का जो है यानी रेलवे विभाग जो है यानी घोषणा कर दिया है, यह ट्रेन जो है पहली बार जो है अक्टूबर में यानी चलाई जाएगी। 11 अक्टूबर को यह ट्रेन जो है दिल्ली से रवाना होगी। उसी तरह अगर हम दरभंगा से बात करें तो 12 अक्टूबर को दरभंगा से यह ट्रेन चलेगी। उसी तरह अगर हम यह बात करें इस ट्रेन की तो 12 ट्रिप यह ट्रेन चलेगी, यानी मात्र 12 बार ही जाएगी और 12 बार ही आएगी। लास्ट ट्रिप इसका होगा अगर हम दिल्ली से बात करें तो यानी 18 तारीख को यह लास्ट ट्रिप करेगी 11वां महीना में। उसी तरह अगर दरभंगा से बात करें तो 19 तारीख को यानी 11वां महीना में लास्ट ट्रिप करेगी। तो यह एक ट्रेलर के रूप में जो है यानी चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर सब कुछ सही रहता है, इस रूट पर यात्रियों की संख्या सही रहती है, लोग यहाँ टिकट अगर कटाते हैं इस रूट से, तो आगे भी ट्रेन चलाई जा सकती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी यात्री अगर इस रूट में आना चाहते हैं तो उस सत्याग्रह पर टिकट ना कटाकर इस ट्रेन का टिकट कटाए, ताकि इस ट्रेन को जो है रेलवे विभाग को पता चले कि नहीं इस रूट पर जो है ट्रेनें चल रही हैं। तो लोगों का यानी जो भीड़ है, तो अगर यात्री अगर सही से इस रूट से आएंगे और जाएंगे तो इस ट्रेन को जो है आने वाले दिनों में जो है चलाया भी जा सकता है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस ट्रेन का भारी मात्रा में टिकट कटाएं कि रेलवे विभाग को भी पता चल जाए कि हाँ इस रूट पर जो है ट्रेन की आवश्यकता है। यह ट्रेन जो है अभी सिर्फ फेस्टिवल एक्सप्रेस के रूप में चलाया जा रहा है, यानी पर्व के रूप में चलाया जा रहा है। पर्व के जो लोग आएंगे, पर्व त्यौहार में जो लोग आएंगे उनके लिए स्पेशल कर दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में आगे यह ट्रेन चलेगी कि नहीं चलेगी इसका अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर मान लीजिए यात्रियों की संख्या इस ट्रेन के साथ अगर बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी आने जाने की, तो आने वाले भविष्य में इस रूट पर जो है ट्रेन चलाई जाएगी और सीतामढ़ी से रक्सौल और सिकटा के रास्ते जो है नरकटियागंज होते हुए दिल्ली यह ट्रेन जाएगी। तो इससे जो है सीतामढ़ी, दरभंगा, रक्सौल और जो है बहुत दिनों से मांग चल रहा था सिकटा के लोगों के लिए कि एक जो है यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन दिया जाए दिल्ली जाने के लिए, तो वो भी मांग जो है पूरा होगा। तो एक बड़ी न्यूज़ है और बड़ी न्यूज़ है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और आपकी क्या राय इस ट्रेन के बारे में, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।